कौटिल्य बलरामपुर के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। देखिए 2022 के सभी नोबेल पुरस्कारों की घोषणा हो चुकी है और इस सेक्शन से सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में एक क्वेश्चन आना तय रहता है। तो आइए हम समझ लेते हैं और देख भी लेते हैं, याद भी कर लेते हैं कि किस क्षेत्र में किसको नोबेल प्राइज़ मिला। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि नोबेल प्राइज़ का इतिहास क्या है, आखिर ये पुरस्कार देने की शुरुआत कैसे हुई। साइंटिस्ट अल्फ्रेड नोबेल, इन्होंने डायनामाइट नामक विस्फोटक पदार्थ का आविष्कार किया था। दरअसल हुआ क्या कि एक बार अल्फ्रेड नोबेल नाइट्रोग्लिसरीन पर प्रयोग कर रहे थे और उस दौरान एक धमाका हुआ, फिर उस धमाके में उनके भाई एमिल की मौत हो गई। ठीक, एक फ्रेंच अखबार को लगा कि इस धमाके में अल्फ्रेड नोबेल ही मर गए, उन्हें गलती से ऐसा लगा, और उन्होंने इस उनके मौत की खबर अपने अखबार में हेडलाइन की तरह प्रकाशित भी कर दी और इस शोक संदेश का टाइटल दिया मौत का सौदागर। जब अल्फ्रेड नोबेल ने ये न्यूज़ पढ़ी तो वो काफ़ी आश्चर्यचकित हुए, उससे ज़्यादा भयभीत हुए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि अखबार ने उनके भाई की जगह उनकी मौत की खबर चला दी है, और मौत का सौदागर टाइटल देख के तो उन्हें बहुत बड़ा आघात लगा कि क्या उनके मरने के बाद दुनिया उन्हें इस तरीके से याद रखेगी, मौत के सौदागर के रूप में। और यही उनकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट था। उस दिन से डायनामाइट का ये आविष्कारक विश्व शांति और समाज कल्याण के लिए काम करने लगे, और मरने से पहले उन्होंने पूरी संपत्ति उन लोगों को पुरस्कार देने के लिए दान दे दी जो विज्ञान और समाज कल्याण के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करते थे, और आज उन्हीं के नाम पर हर वर्ष नोबेल प्राइजेस दिए जाते हैं। आज कोई उन्हें मौत के सौदागर के रूप में नहीं याद करता है, बल्कि हम उन्हें एक महान वैज्ञानिक और समाज सेवी के रूप में याद करते हैं। यही पुरस्कार नोबेल पुरस्कार कहलाते हैं और सन 1901 से नोबेल पुरस्कार के देने का आरंभ हुआ है। ठीक, तो आइए अब देख लेते हैं कि किस क्षेत्र में किसको नोबेल पुरस्कार मिला। पहला, भौतिकी में नोबेल। देखिए भौतिकी यानी फिजिक्स में 2022 का नोबेल फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका व ऑस्ट्रिया के तीन वैज्ञानिकों को देने की घोषणा की गई है। ये तीनों वैज्ञानिक क्रमशः एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लॉजर और एंटोन जिलिंगर हैं ना। ये आप लोग बगल में फ़ोटो भी देख सकते हैं तीनों लोगों की। इन्हें ये पुरस्कार क्वांटम मैकेनिक्स पर उनके काम के लिए दिया जा रहा है। जॉन बार्डिन एकमात्र पुरस्कार विजेता हैं जिन्हें 1956 और 1972 में दो बार भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि कौन से ऐसे भौतिकी में जो वैज्ञानिक हैं जिन्हें दो बार नोबेल प्राइजेस मिले हुए हैं, तो जॉन बार्डिन ऐसे साइंटिस्ट हैं। फिर है साहित्य का नोबेल। साहित्य में 2022 का नोबेल फ्रांसीसी लेखिका एनी एर्नॉक्स को दिया जा रहा है। इन्हें यह पुरस्कार अपने लेखन में साहस व तटस्थता के साथ व्यक्तिगत स्मृति की जड़ों, व्यवस्थाओं और सामूहिक प्रतिबंधों को उजागर करने के लिए दिया जा रहा है। फिर केमिस्ट्री का नोबेल। केमिस्ट्री यानी रसायन 2022 का नोबेल तीन वैज्ञानिकों कैरोलिन आर बर्टोजी, मॉर्टन मेल्डल और के बैरी शार्पलेस। ये कैरोलिन आर बर्टोजी USA के हैं, मॉर्टन मेल्डल डेनमार्क के हैं और के बैरी शार्पलेस ये भी USA के हैं। इन तीनों लोग को संयुक्त रूप से केमिस्ट्री का नोबेल इस बार नोबेल प्राइज़ दिया गया है। इन्हें ये पुरस्कार क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास के लिए दिया जा रहा है। फिर है शांति का नोबेल। 2022 का शांति का नोबेल पुरस्कार तीन विजेताओं को संयुक्त रूप से देने की घोषणा की गई है। पहले हैं एलिस वियालियात्स्की, ये बेलारूस के मानवाधिकार अधिवक्ता हैं। फिर मेमोरियल, ये रूसी मानवाधिकार संगठन है, और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़, ये यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन है। देखिए रशिया और यूक्रेन में हम जान ही रहे हैं कि कितनी भयानक वॉर छिड़ी हुई है, ऐसे में शांति का नोबेल प्राइज़ उन्हें मिलना सांकेतिक रूप से बहुत कुछ दर्शाता है। ठीक, इन्हें यह पुरस्कार मानवाधिकारों के हनन और सत्ता के दुरुपयोग का दस्तावेजीकरण करने के लिए मिला है। अन्य नोबेल पुरस्कारों की अपेक्षा यह नॉर्वे के ओस्लो में दिया जाता है। ये थोड़ा सा डिफरेंट फैक्ट है, इसको याद रखेंगे कि जो शांति का नोबेल प्राइज़ है ये नॉर्वे के ओस्लो में दिया जाता है। इस पुरस्कार का पदक नॉर्वेजियन मूर्तिकार गुस्ताव विजलैंड द्वारा डिज़ाइन किया गया था, जिसमें अल्फ्रेड नोबेल को अन्य पदकों से थोड़ा सा अलग मुद्रा में दर्शाया गया है। फिर अर्थशास्त्र का नोबेल।
2022 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 3 विजेताओं को संयुक्त रूप से दिया जा रहा है। पहले हैं बेन एस बर्नानके, डगलस डायमंड और फिलिप एच डेबिग। बैंकों और आर्थिक संकट पर शोध के लिए इन्हें ये नोबेल प्राइज़ दिया गया है। अर्थशास्त्र के पहले भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन थे। इन्हें 1998 में वेलफेयर इकोनॉमिक्स में शोध के लिए पुरस्कार मिला था। ठीक, ये वाला प्रश्न भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भारतीय अर्थशास्त्र में सबसे पहले किसने नोबेल प्राइज़ जीता था, तो अमर्त्य सेन ने जीता था, मतलब अमर्त्य सेन को मिला था। फिर है चिकित्सा का नोबेल। 2022 का चिकित्सा का नोबेल स्वांते पाबो को देने की घोषणा की गई है। इन्हें ये नोबेल विलुप्त होमिनिन और मानव विकास के जीनोम से संबंधित उनकी खोजों के लिए दिया जाएगा। ठीक, तो ये 6 नोबेल प्राइज़ हो गए। ठीक, जब तक 2023 वाला नोबेल प्राइज़ की अनाउंसमेंट नहीं हो जाती है तब तक सारे एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बार बार आएगा, कई बार आएगा। एक क्वेश्चन फिक्स है तो एक नंबर यहाँ से आप ज़रूर पा सकते हैं। तो इसलिए वीडियो को कई बार देखें, बल्कि सारे प्राइज़ किसको किसको मिले, सबका नाम किस लिए मिले, सब चीज़ आप रट लीजिए। वीडियो को कम से कम 2-3 बार देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, लाइक करिए। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।